अभी हाल ही में आप लोगों ने मिशन कर्म योगी के बारे में सुना होगा। ये नेशनल प्रोग्राम है आपका सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, यानी कि एक तरह से आप कहिए कि राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम के लिए। तो ये क्वेश्चन इससे बन जाएगा आगे, ठीक है? हो सकता है प्रीलिम्स में भी पूछ ले या मेंस में भी आपका पूछ ले। और सिविल सेवा की बात की जा रही है इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है आप सभी के लिए। तो आपने देखा होगा 2 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्म योगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है। सबसे पहले तो यही पूछ लेगा कि मिशन योगी कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास बढ़ाने के लिए। एक तरह से इसके प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो लक्ष्य यानी कि उद्देश्य, भारतीय सिविल सेवकों को और भी अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिए तैयार करना इसका लक्ष्य है। ये एक और बात याद रखिए, इन शब्दों को आप लोग बड़े ध्यान से देखिए। इसमें वो ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति में इस तरह के शब्द यूज किया जाना चाहिए, यानी कि हर व्यक्ति को इस तरह से हमें एक तरह से नई ढांचा में सांस डालना चाहिए। आप इन शब्दों को अगर, वैसे तो एक दो दो शब्द हैं लेकिन आप देखेंगे तो बड़ा कुछ छुपा हुआ इसमें दिखाई देगा। ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी, समझ रहे हैं आप? इस कार्यक्रम के माध्यम से विशिष्ट भूमिका दक्षताओं से युक्त सिविल सेवक उच्चतम गुणवत्ता मानकों वाली प्रभावकारी सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने में समर्थ हुए। उद्देश्य की अगर बात करें हम लोग तो कार्य संस्कृति में परिवर्तन को व्यवस्थित रूप से जोड़कर सार्वजनिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण कर और सिविल सेवा क्षमता के निर्माण के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाकर सिविल सेवा क्षमता में रूपांतरणकारी बदलाव करना, ताकि नागरिकों को प्रभावकारी रूप से सेवाएं मुहैया कराना सुनिश्चित किया जा सके। इसकी अगर मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इस कार्यक्रम को एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आई गॉट कर्म योगी प्लेटफॉर्म की स्थापना करके इस कार्यान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत निम्न अनुसार हैं। कौन कौन से? नियम आधारित मानव संसाधन प्रबंधन से भूमिका आधारित प्रबंधन के परिवर्तन को सहयोग प्रदान करना, सिविल सेवकों को उनके पद की आवश्यकताओं के अनुसार आवंटित कार्य को उनकी क्षमताओं के साथ जोड़ना, ऑफ साइट सीखने की पद्धति को बेहतर बनाते हुए ऑन साइट सीखने की पद्धति पर बल देना, शिक्षण सामग्री संस्थानों तथा कार्मिकों सहित साझा प्रशिक्षण का अवसंरचना परितंत्र का निर्माण करना, ये सभी इसके सिद्धांत हैं। सिविल सेवा से संबंधित सभी पदों को भूमिकाओं, गतिविधियों, दक्षता के ढांचे संबंधी दृष्टिकोण के साथ अद्यतन करना और प्रत्येक सरकारी निकाय में चिन्हित FRAC के लिए प्रासंगिक अधिगम विषय वस्तु का सृजन करना और प्रदान करना, सभी सिविल सेवकों को आत्म प्रेरित एवं अधिदेशित सीखने की विक्रिया पद्धति में अपनी व्यवहारात्मक कार्यक्षेत्र से संबंधित दक्षताओं को निरंतर विकसित एवं सुदृढ़ करने का अवसर उपलब्ध कराना, प्रत्येक कर्मचारी के लिए वार्षिक वित्तीय अंशदान के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया के साझा, एक समान परिवेश तंत्र के सृजन और साझाकरण के लिए अपने अपने संसाधनों को सीधे तौर पर निवेश करने हेतु सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा उनके संगठनों को समर्थ बनाना। फिर आपका अगला सिद्धांत है सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप, एकल विशेषज्ञों सहित सीखने की प्रक्रिया संबंधी सर्वोत्तम विषय वस्तु के निर्माताओं को प्रोत्साहन करना और साझेदारी करना, क्षमता विकास, विषय वस्तु निर्माण, उपयोगकर्ता फीडबैक और दक्षताओं की मैपिंग एवं नीतिगत सुधारों के लिए क्षेत्रों की पहचान संबंधी विभिन्न पक्षों के संबंध में आईगॉट कर्मयोगी द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का विश्लेषण करना। आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म क्या है, इस पर इसे भी जान लेते हैं। यह भारत में 2 करोड़ से अधिक कार्मिकों की क्षमताओं को
बढ़ाने के लिए व्यापक और अत्याधुनिक संरचना सुलभ कराएगा। इस प्लेटफॉर्म का विषय वस्तु के संदर्भ में एक आकर्षक एवं विश्व स्तरीय बाजार के रूप में विकसित होने की उम्मीद है, जहाँ सावधानी पूर्वक व्यवस्थित और पुनरीक्षित डिजिटल ई लर्निंग सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। क्षमता विकास के अलावा सेवा मामलों जैसे प्रतीक्षा अवधि के बाद पुष्टिकरण या स्थायीकरण, तैनाती, कार्य निर्धारण और रिक्तियों की अधिसूचना इत्यादि को अंततः प्रस्तावित दक्षता या योग्यता संरचना के साथ एकीकृत कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित संस्थागत ढांचे के साथ शुरू किया जाएगा। कौन कौन से? प्रधानमंत्री की सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में चयनित केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, विख्यात सार्वजनिक मानव संसाधन पेशेवरों, विचारकों, वैश्विक विचारकों और लोक सेवा प्रतिनिधियों वाली एक सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद शीर्ष निकाय के तौर पर कार्य करेगी, जो सिविल सेवा सुधार कार्य और क्षमता विकास को कार्यनीति दिशा प्रदान करेगी। क्षमता विकास आयोग की अगर बात करें तो एक क्षमता विकास आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव है, ताकि सहयोगात्मक और सह साझाकरण के आधार पर क्षमता विकास परिवेश या फिर व्यवस्था के प्रबंधन और नियमन में एक समान दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके। आयोग की भूमिका निम्नानुसार होगी। कौन सी? वार्षिक क्षमता विकास योजना का अनुमोदन करने में पीएम सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद की सहायता करना, सिविल सेवा क्षमता विकास से जुड़े सभी केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों का कार्यात्मक पर्यवेक्षक करना, आंतरिक एवं बाह्य संकाय और संसाधन केंद्रों सहित साझा शिक्षण संसाधनों को सृजित करना, हितधारक विभागों के साथ क्षमता विकास योजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वय और पर्यवेक्षक करना, प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास शिक्षण शास्त्र पद्धति के मानकीकरण पर सिफारिशें पेश करना, सभी सिविल सेवाओं के करियर के मध्य में सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मानदंड निर्धारित करना, सरकार को मानव संसाधन के प्रबंधन और क्षमता विकास के क्षेत्र में आवश्यक नीतिगत उपाय सुझाना, फिर आपका डिजिटल परिसंपत्तियों के स्वामित्व प्रचालन ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु एक प्रौद्योगिकीय प्लेटफॉर्म विशेष प्रयोजन कंपनी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अधीन NPCSCB के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली विशेष प्रयोजन कंपनी की स्थापना की जाएगी। SPSPB एक गैर लाभकारी लाभ अर्जक कंपनी होगी, जो आईगोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का स्वामित्व रखेगी और प्रबंधन भी करेगी। SPB विषय वस्तु बाजार के निर्माण और संचालन करेगी, या विषय वस्तु वैधिकरण, स्वतंत्र निरीक्षण, आकलन एवं टेलीमेट्री डेटा उपलब्धता से संबंधित आईगॉट कर्म योगी प्लेटफॉर्म की प्रमुख व्यवसायिक सेवाओं का प्रबंधन भी करेगी, या भारत सरकार की ओर से सभी बौद्धिक संपदा अधिकारों का स्वामित्व भी करेगी। प्रमुख कार्य की बात करें तो निष्पादन संकेतकों का डैशबोर्ड अवलोकन सज्जित करने के लिए आईगॉट कर्म योगी प्लेटफॉर्म के सभी उपयोगकर्ता यानी कि यूजर के कार्य निष्पादन मूल्यांकन हेतु एक समुचित निगरानी और मूल्यांकन रूपरेखा भी बनाई जाएगी। फिर आपका कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में समन्वय इकाई, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय इकाई गठित की जाएगी, जिसमें चुनिंदा सचिव और कैडर को नियंत्रित करने वाले अधिकारी शामिल होंगे। वित्तीय निहितार्थ की बात करें तो लगभग 40-46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के लिए 2020-21 से लेकर 2024-25 तक 5 साल की अवधि के दौरान 510.86 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा, 510.86 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। तो ये है कर्मयोगी की कहानी, ठीक है, याद रखिए।